दोस्तों, वुडन फ्लोरिंग टाइल कौन सी लगवाएं, कौन सी बेस्ट रहेंगी जो कभी ख़राब नहीं होने वाली है और लंबा चलेगी और कम पैसा लगेंगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जो प्लैंक है ये लकड़ी की है जो इस टाइम ज़्यादा ही लोग लगवा रहे हैं और इसका ज़्यादा कोई लाइफ नहीं है। ये फट भट 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 की आवाज़ भी करता है और इस पर गंदगी चिपकती है तो छूटती नहीं है, क्योंकि ये लकड़ी की बनी हुई होती है। आप अगर इस टाइल्स को लगवा रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप तभी टाइल्स लगवाइए, तभी आपको समझ में भी आएगा कौन सी हमें टाइल्स लगवानी चाहिए। ये बहुत महंगा पड़ता है और अच्छा कम होता है, ये सीमेंट बालू से लगाई नहीं जाती, इसलिए ये जल्दी निकल के बाहर आ जाती है। तो इस टाइल को आप लगवाने से पहले आपको पता होना चाहिए, आप अगर लगवा रहे हैं दोस्तों तो अच्छी टाइल्स लगवाइए, आप विट्रीफाइड टाइल्स लगवाइए जो कभी पानी से, आग से, ठंडी से कभी ख़राब होने वाली नहीं है। जो इसमें आप देख रहे हैं ये कजारिया की टाइल्स है दोस्तों, और ये प्लैंक है, बड़ी बड़ी साइज़ की टाइल्स आती है। आप इस तरीके के टाइल्स लगवाइए, कभी भी ख़राब होने वाला नहीं है। जो आप पैसा लगाएंगे तो आपको पैसा भी बर्बाद नहीं जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए ये फ्री जॉइंट में इसको फिटिंग की गई है, जो आप उसमें भी नहीं आप इस तरीके लुक देखने को पाएंगे। जो आप लकड़ी की टाइल्स लगवाते हैं दोस्तों, उससे अच्छा है कि आप इस तरीके का टाइल्स चॉइस करें। अगर आप घबरा रहे हैं दोस्तों कि आपका कलर नहीं समझ में आ रहा है, कलर नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके के टाइल्स में भी बहुत से ढेर सारे कलर आते हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप चॉइस लेके और अपने घर के फ्लोरिंग में वुडन करवा सकते हैं। वुडन कराने से पहले भी आपको पता ये होना चाहिए कि वुडन फ्लोरिंग टाइल्स किस तरीके से लगवाएँ, किस तरीके की फिटिंग करने का तरीका है इसका, वो भी इसी वीडियो में आपको देखने के बाद भी आइडिया मिल जाएगा। आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में भी आएगा दोस्तों। ये जो देखिए दोस्तों, ये कजारिया की देखिए 5 इंच बाई 32 इंच की इसकी साइज है, और इसको जैसे कि आप लगवाते हैं तो स्पेसर या विदाउट स्पेसर वो भी आपको देखने को मिलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके इसका लगाने का तरीका है। और देखिए दोस्तों, ये ग्लॉसी टाइल्स है आप जो देख रहे हैं, ये बड़ी साइज की है, ये भी फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पास देखिए ये फिटिंग की जा रही है वुडन फ्लोरिंग टाइल्स बालकनी में। आप बालकनी में कुछ इस तरीके के टाइल्स फिटिंग कराएंगे, कभी भी आपकी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि बालकनी में कभी भी आपको टाइल्स लगवाना है तो वुडन ही लगवाएं, क्योंकि बाहर पानी, धूप, बरसात सब कुछ पड़ता है और उससे आपका टाइल्स बहुत ही जल्द ख़राब हो जाती है। इसी कारण से आपका पैसा और मटेरियल दोनों नुकसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पास ये फ्लोरिंग पे इसको फिटिंग की जा रही है। अब इसका जो फिटिंग करने का तरीका है दोस्तों, इसको आप विट्रीफाइड टाइल्स को हमेशा ध्यान रखें कि एडहेसिव से ही फिटिंग कराएं, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद जाएगा और बाद में टाइल्स निकल के बाहर आएंगी, क्योंकि एडहेसिव में पॉलीमर होता है और पॉलीमर जब उसमें मिला होता है तो आपका टाइल्स अपने से कभी नहीं निकलेगी, और सीमेंटेड में पॉलीमर नहीं होता है, उसमें हार्ड होता है, जो उसको तरावट चाहिए तभी वो पकड़ बना पाती है। इस बात को भी ध्यान रखें दोस्तों। और देखिए ये 5 इंच आगे पीछे करके इस टाइल्स को फिटिंग की जा रही है, और इसका फिटिंग करने का भी तरीका देखिए, बिना स्पेसर के साथ इसको फिटिंग की जा रही है। और आपकी टाइल्स अगर बैंड है या ऊंचा नीचा हो रही है तो आप बिटरा लेके और उसके जॉइंट पे डालिए और कुछ देर बाद छोड़ दीजिए, आपका बैंडेड एकदम फिनिश हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आप इस तरीके से इसको रख कर और ऐसे हाथ से थपथपिया देंगे, आपका टाइल आसानी से लग जाएगी। और आपको और कोई कंफ्यूजन है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मेरा से नंबर लेकर और मेरे से कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं। और ये फ्लोरिंग इतनी लग चुकी हुई है और इसका स्क्वाटिंग भी लगाना है, और स्क्वाटिंग भी इसका लग जाने के बाद बहुत अच्छी
फिनिशिंग इस फ्लोरिंग में आ रही है, आप देख रहे हैं इसका ऊपर नीचे इसका जॉइंट नहीं दिख रहेगा। तो ये वुडन फ्लोरिंग टाइल लगाने का तरीका है। अब इसको आप दोस्तों जब भी लगवाएंगे तो ये आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरीके की टाइल्स, क्योंकि ये पत्थर जैसे मजबूत टाइल्स होती है और इसको आप जब भी लगवाएंगे कहीं भी लगवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लकड़ी से अच्छा है कि इस तरीके का ही टाइल्स लगवाइए, ये हार्ड होता है, मजबूत होता है और एडिसिव से ही लगती है। अब इसकी स्क्वाटिंग लग गई है, आप इसका लुक देख सकते हैं दोस्तों, पूरा फिनिश कंप्लीट ये फ्लोरिंग हो चुकी है। तो इस तरीके का आप काम करवाइए, आपका पैसा और समय और मटेरियल दोनों ही वेस्ट नहीं जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल क्लिक कर लीजिए। कमेंट सवाल है तो आप कर सकते हैं, उसका आंसर मिल जाएगा मेरे इस चैनल पे। ओके बाय दोस्तों।